जी जनाब, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से हमारा सेकंड लेक्चर। आज हम बात करेंगे रिलीजन एंड इट्स पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से। हम आज की क्लास में सिर्फ पोस्ट मॉडर्न एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जब बात करते हैं रिलीजन एंड इट्स लिंक्स विद पोस्ट मॉडर्निटी, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है दुनिया के अंदर, सुनिएगा, पोस्ट मॉडर्निटी का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर कोई एक नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि एक्चुअल में पोस्ट मॉडर्निटी क्या करती है, मेटा नैरेटिव्स को अपोज करती है और वो नैरेटिव्स को सपोर्ट करती है। क्या करती है बेटा, नैरेटिव को सपोर्ट करती है। वो कहती है देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव और देयर इज नो वन ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड। There are hundreds and thousands of narratives. Every individual develop its own narrative. हर इंसान अपना narrative खुद create करता है rather than कि वो किसी particular form of meta narrative को follow करे। देखिए जी, religion के अंदर हम बात करते हैं, जब हम post modern religion की बात करते हैं, post modern religion कहता है कि भाई everything is all about pick and mix। हर चीज़ जो है पिक एंड मिक्स के ऊपर फॉलो की जाएगी। पिक एंड मिक्स का मतलब क्या है कि लोग अपने हिसाब से रिलीजियस डेफिनेशंस को अडॉप्ट करेंगे और अपने हिसाब से मिक्स करेंगे इसको, ठीक है। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ जो है, आप उस पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि और किसी और पर्टिकुलर रिलीजियस एलिमेंट को की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से पिक एंड मिक्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने, अगर हम पोस्ट मॉडर्न रिलेशनशिप की बात करें ना रिलीजन के हवाले से, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ नोट्स के हवाले से ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। देर इज़ नो सिंगल डेफिनेटिव मॉडर्न व्यू ऑफ रिलीजन एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर द पोस्ट मॉडर्निज्म, सही है। अब क्या होता है कि देर आर अ ग्रेट रेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स, सही है, देर आर अ ग्रेट रेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स, यानी कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं। आप अपना नैरेटिव उन रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस को देख के बना सकते हैं, सही है। Religious metanarrative represent a general framework around which individual belief practices and experiences are oriented and ordered. यानी कि metanarrative जो हैं आपको particular way of thinking दे देते हैं, सही है, और narratives जो हैं आपको, आप narrative खुद establish करते हो इन metanarrative से inspiration लेते हुए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, the outcome of greater choices and more opportunities, meanings and behaviors is that religious symbols lose much of their original meaning and power. यानी कि बहुत सारे religious symbols जो हैं वो अपने original meaning और power को lose कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि meta narratives अपनी power को lose कर रहे हैं, ठीक है, single way of thinking अपनी power को lose कर रहे हैं और उसके against में क्या create हो रहा है, narrative create हो रहा है। हर बंदा अपने circumstances के हिसाब से चीज़ों को establish किए जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस सिंबल्स एंड बिलीव्स आर मेरली अबॉन्डेंट टू समवन्स आइडेंटिटी, यानी कि आज की दुनिया के अंदर जो रिलीजन है वो बिलीफ की बायस बन गई। यानी कि लेट्स सपोज हो क्या रहा है आज की दुनिया के अंदर, रिलीजन एंड हम बात करते हैं रिलीजन और इंसान की रिलेशनशिप एक सोशल आइडेंटिटी के हिसाब से चल रही है। यानी कि इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी को रिलीजन को एज ए आइडेंटिटी कंसिडर करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे, रिलीजन एंड पोस्ट मॉडर्निटी रिड्यूस द पर्सनल आइडेंटिटी स्टेटमेंट, ठीक है। आज की दुनिया के अंदर रिलीजन जो है वो एक पर्सनल आइडेंटिटी की स्टेटमेंट बन चुका है, रादर देन कि पहले जमाने में क्या था कि भाई पूरी रिलीजन जो है या तो थियोलॉजिकल एरा के अंदर रिलीजियस प्रोफेसीज फॉलो की जाती थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुने, आज की दुनिया के अंदर क्या होता है, रिलीजन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी सेट ऑफ बिलीव्स हैं, ठीक है। यानी कि रिलीजन जो है रिलीजियस आइडियाज के हवाले से, प्रैक्टिसेस के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत सारे बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक बंदे ने एक बात की, दूसरे बंदे ने दूसरी बात की, तीसरे बंदे ने तीसरी बात की, यानी कि मल्टीपल लोग मल्टीपल बातें करेंगे। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ इसके हवाले से, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे और लोग, आम आदमी किस तरीके से अपने आप को रिलीजन के रिलीजियस डिक्लेयर करेगा कि वो पिक एंड मिक्स करेगा, पोस्ट मॉडर्न रिलीजियस एलिमेंट को फॉलो करेगा, ठीक है।
McLeod suggests that in post-modernity, religion becomes less important in terms of practice and more important as a source of person and social identity. यानी कि आज की दुनिया के अंदर religion as a practices के तौर पे कम use हो रहा है, लेकिन religion as an element of social identity ज़्यादा use हो रहा है. इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. यानी कि आज की दुनिया में religion जो है is a matter of social identity, is not a matter of, समझिएगा, प्रैक्टिसेस. यानी कि लोग प्रैक्टिस, यानी कि वही वाली बात जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस की थी, आज की दुनिया में बिलीफ विदाउट बिलोंगिंग या बिलोंग विदाउट बिलीविंग का एलिमेंट बढ़ रहा है. यानी कि लोगों के बिलीव्स तो हैं लेकिन प्रैक्टिसेस नहीं है, प्रैक्टिसेस हैं तो उस लेवल के बिलीव्स नहीं है. यानी कि हर बंदा अपने हिसाब से रिलीजन को फॉर्मुलेट करेगा. यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा. इसके बाद हमारे पास पोस्ट मॉडर्निटी के अंदर जो अगली थ्योरी आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है न्यू एज मूवमेंट्स. ठीक है, न्यू एज मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है. न्यू एज मूवमेंट्स बहुत सिंपल सी बात है कि एक मूवमेंट का नाम है. ठीक है, कैसी मूवमेंट का नाम है? बहुत सिंपल सी बात, एक ऐसी मूवमेंट का नाम है, समझते हैं, जो 1970s में एस्टैब्लिश हुई थी, जिसको कहा जाता है, जब 1970s में कहा जाता है, अच्छा, जो रिलीजियस इंथ्यूजियज्म का बायस थी, यानी कि लोग रिलीजियस हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो उस दौर में न्यू एज मूवमेंट्स फॉर्मुलेट हुई. ठीक है, ये न्यू एज मूवमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जिसको हम कहते हैं रिलीजियस रिवाइवल की मूवमेंट, आप कह सकते हैं. हर रिलीजियस न्यू एज मूवमेंट जो थी, जिसको हम न्यू एज मूवमेंट कहते हैं, वो एक मूवमेंट एक अपना नैरेटिव क्रिएट कर रही थी. याद रखिएगा, न्यू एज मूवमेंट के बारे में बच्चे एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ये चीज़ है कि भाई न्यू एज मूवमेंट क्या है. जितनी न्यू एज मूवमेंट्स हैं उन सबकी कहानियाँ अलग अलग है. ठीक है, सिर्फ एक बात सिमिलैरिटी कही जा सकती है कि दे ऑल आर ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि रिलीजन के थ्रू सोशल चेंज लाना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है. हर न्यू एज मूवमेंट, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की, न्यू एज मूवमेंट का मतलब क्या है, एक नई एज की तहरीक. ठीक है, एक ऐसी तहरीक जो लोगों के दिमागों के अंदर आ जाए, जो लोगों को मजबूर करे कि यार डिफरेंट तरीके से भी सोचा जा सकता है. ठीक है, तो जितनी न्यू एज मूवमेंट्स है, कोई एक न्यू एज मूवमेंट नहीं है दुनिया के अंदर, देर आर हंड्रेड्स ऑफ मूवमेंट्स. बुक के अंदर भी एग्जाम्पल्स दी हुई है काफी सारी मूवमेंट्स की, कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, कुछ मेडिटेशन की बात करती हैं, दे ऑल, लेकिन एक तमाम मूवमेंट में एक बात सिमिलैरिटी है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की बात करती हैं. यानी कि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है जिनके नजदीक, इनके नजदीक, न्यू एज मूवमेंट के नजदीक. सही है, न्यू एज मूवमेंट क्या कहती है, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है. ये कोई एक मूवमेंट का नाम नहीं है, बहुत सारी मूवमेंट हैं. कुछ जापान के अंदर आई, कोई इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर आई, कुछ यूरोप के अंदर आई, बहुत सारी मूवमेंट को आप न्यू एज मूवमेंट का नाम देते हैं. कोई एक मूवमेंट न्यू एज मूवमेंट नहीं है. सही है, इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, उनके अंदर हर मूवमेंट ने अपना नैरेटिव क्रिएट किया, तो पोस्ट मॉडर्निज्म को फॉलो किया. यानी कि लेट्स सपोज मैं हूँ मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई हैं, हम तीन लोग हैं, हम तीन न्यू एज मूवमेंट्स के स्कॉलर्स हैं. मैंने कोई एक बात कही, उसने कोई एक बात की, तीसरे बंदे ने कोई एक बात की, हम लोगों ने अपना अपना नैरेटिव क्रिएट किया, लेकिन देयर इज ओनली वन सिमिलैरिटी विद इन ऑल ऑफ अस कि हम तीनों जो हैं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की बात कर सकते हैं. हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है. यहाँ तक आया हो बात समझ में आ गई. अब मैं थोड़ा सा आपके लिए नोट्स से रीडअप करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके अंदर रीडअप करने में मसला आता है. ठीक है, मिल्टन सजेस्ट दैट द टर्म न्यू एज मूवमेंट रिफर्स टू द वेव ऑफ रिलीजियस एंथुसियाज्म दैट इमर्ज इन 1970s. मैंने यहाँ पर बात कही आपसे. इसके बाद कोन हैज टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस. न्यू एज मूवमेंट्स रिप्रेजेंट वेज ऑफ डूइंग रिलीजन एंड बींग रिलीजियस. यानी कि अब मेरी बात सुने, न्यू एज मूवमेंट ने क्या किया, न्यू वेज दिए, किस चीज के हवाले से, Doing religion, यानी कि religious practices के हवाले से new ways दिए. ठीक है, and being religious, अगर आपने being religious होना है तो उसके हवाले से, being religious का मतलब है कि आप beliefs के हवाले से कुछ नए beliefs alteration पैदा की जा सकती. ठीक है, तो यानी कि new age movement ने new ways दिए आपको किस चीज के लिए, being religious किया है और doing religion के. अच्छा, अब क्या होता है इसके अंदर, दो से तीन मिनट. अच्छा, अब क्या होता है, एंड स्पिरिचुअल कंजम्पशन इन्वॉल्व द आइडिया दैट पीपल आर कंज्यूमर्स हु शॉप फॉर स्पिरिचुअलिटी. यानी कि आपने लोगों के ऊपर बात छोड़ दी कि भाई आप, यू कैन शॉप फॉर द स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आप अपनी मर्जी से स्पिरिचुअलिटी यानी कि रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं.
इसके बाद हम बात करते हैं, माइकल ब्राउन नोट्स दैट NAM's फोकस स्पेसिफिकली ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ एंड सोसाइटी इंक्लूडिंग द एस्ट्रोलॉजी चैनलिंग एंड वर्क ऑन वन्स इनर चाइल्ड एंड अ लिस्ट ऑफ अनकन्वेंशनल हीलिंग टेक्निक्स। यानी कि लोगों को क्या क्या आ गया कि भाई आपने एक चीज की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की ना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ की बात करती है, क्या क्या किसकी बात करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यानी कि अपने आप को कैसे चेंज करना है। हीलिंग की डिफरेंट हीलिंग टेक्टिक्स होती हैं, हीलिंग टेक्टिक्स का मतलब क्या है कि आप मेडिटेशन कर लें, कोई आप प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, लेट्स से कोई आप योगा करें, ठीक है, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ न्यू एज मूवमेंट, ठीक है, यानी कि लोगों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, सेल्फ को चेंज किया जा रहा है, अपने इनर चाइल्ड को बेहतर करना, यानी कि अपने आप को बेहतर करने के एक डिफरेंट टेक्टिक्स लेके आए जा रहे हैं, किसकी जानब से, न्यू एज मूवमेंट्स की जानब से, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं, वन कॉमन फीचर ऑफ NAM इज दैट द बिलीफ दैट स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल नॉलेज एंड पावर कैन बी अचीव थ्रू द डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स। यानी कि वो कहते थे कि भाई हमारी टेक्निक को फॉलो कर लो तो तुम जो तुम्हें इनर पावर गेन करनी है, मेडिटेशन की, रेकी कहते हैं ना, रेकी का नाम सुना होगा, मेडिटेशन का नाम सुना होगा, इसके थ्रू क्या करते हैं आप बहुत सारी नई नई चीज़ें अपने अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी इनर पावर क्रिएट होती है। तो वो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन लेके आ रहा है, न्यू एज मूवमेंट्स लेके आ रही हैं तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अदर देन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, NAMs हैव फ्यू फीचर्स इन कॉमन, बहुत बहुत, यानी कि सिर्फ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा जिनके अंदर बहुत कम चीज़ें जो सिमिलर थी, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्न टेक्निक है, हर मूवमेंट जो होगी अपनी जस्टिफिकेशन लेके, अपने नैरेटिव लेके आएगी। इसके बाद क्या कहते हैं, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ न्यू एज मेटा नैरेटिव, ये इसीलिए वजह से बहुत, यानी कि आप इट इज़, यानी कि हम कहें न्यू एज मेटा नैरेटिव को डिफाइन करना नामुमकिन क्यों है, क्योंकि हर न्यू एज मूवमेंट अपनी कहानी लेके आ रही है। जब हर न्यू एज मूवमेंट अपनी कहानी लेके आएगी तो ऑटोमेटिकली इस मेटा नैरेटिव को डिफाइन करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं अ सेंट्रल कंडीशन ऑफ पोस्ट टू पोस्ट मॉडर्निटी इज एक्सपीरियंस, यानी कि आप क्या है, आज की दुनिया के अंदर आप जब कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि एक्सपीरियंस इट, बिकॉज नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज पिक एंड मिक्स इज नेसेसरी, यानी कि आप चीज़ों अपने हिसाब से चीज़ों को पिक एंड मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे, यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट फ्लिक होगी क्योंकि वो चेंज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू, वो जो है ना, क्या चाह रहे हो भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये एक न्यू एज मूवमेंट जो हो गई, ये एक तरह से पूरी केस स्टडी एग्जांपल हो गई हमारी पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से, ठीक है। जब मैं पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से बात करूंगा तो हम न्यू एज मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं, वही वाला आइडिया है। अब मैं अगर इसको जल्दी से रिकैप करने आऊं तो ये न्यू एज मूवमेंट इज ऑल अबाउट द रिलीजियस एंथुसियाज्म इन 1970s, जिसके अंदर आप 1970s के अंदर रिलीजियस एंथुसियाज्म पैदा हुआ लोगों के अंदर, और इससे इम्पैक्ट क्या आया, इससे इम्पैक्ट आया कि न्यू वेज ऑफ डूइंग रिलीजन हुआ, यानी कि न्यू वेज ऑफ प्रैक्टिसेस आया, और न्यू वेज ऑफ बीइंग रिलीजियस, यानी कि न्यू वेज ऑफ बिलीफ पैदा हुए, ठीक है। एक्चुअल में और जितनी भी न्यू एज मूवमेंट्स थी वो सारी सिर्फ एक चीज़ पर बात करती थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने इनर चाइल्ड, अपने सेल्फ को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, इन तमाम चीज़ों के थ्रू आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। देखें, जो सिमिलैरिटी थी न्यू एज मूवमेंट, किसी एक मूवमेंट का नाम नहीं है, बहुत सारी मूवमेंट हैं इसके अंदर, ठीक है, कुछ मेडिटेशन के हवाले से, कुछ योगा के हवाले से, कुछ रेकी के हवाले से, लेकिन ये तमाम मूवमेंट्स आपकी इनर पावर को एक्सेलरेट करने के लिए, हर बंदे का अपना नैरेटिव है, बिकॉज न्यू एज मूवमेंट का कोई मेटा नैरेटिव नहीं है कि भाई ये चीज़ न्यू एज मूवमेंट और ये चीज़ न्यू एज मूवमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मेटा नैरेटिव, ऐसा ये मेटा नैरेटिव नहीं है, बिकॉज हर न्यू एज मूवमेंट की अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। वो कहती है हमारे हिसाब से चीज़ों को पिक एंड मिक्स कर लो, इस तरह से कर लो। अब क्या है कि कुछ लोगों की प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, कुछ लोग अब कहते हैं कि भाई लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ मेडिटेशन है या योगा है, योगा इज ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस, अगर मैं योगा करूंगा तो शायद मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा योगा करने से, ठीक है। तो या फिर मेडिटेशन किसी पर्टिकुलर सेक्ट या कल्ट को डिफाइन करती है, ठीक है। तो हो सकता है आपका बिलीफ किसी और चीज़ के हवाले से हो, आप मुस्लिम हो, लेकिन आप जो योगा कर रहे हो, ठीक है, इट कुड बी ऑल अबाउट द पिक एंड मिक्स, आपकी प्रैक्टिस डिफरेंट है, बिलीव डिफरेंट है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द न्यू एज मूवमेंट की, जिसके अंदर इसने क्या कहा कि लोगों को आप ऑप्शन दो कि वो मल्टीपल वे ऑफ लाइफ को, मल्टीपल वे ऑफ थिंकिंग को एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। यहां तक न्यू एज मूवमेंट की बात खत्म होती है।
जनाब अब हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट फंडामेंटलिज्म। हम किसकी बात करें? फंडामेंटलिज्म। आज हम जिस पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि भाई एक दुनिया में एक व्यू है जो कहता है रिलीजन सोसाइटी को सेक्युलर हो जाना चाहिए, दुनिया में एक व्यू है जो सोसाइटी के अंदर जो दूसरा जो कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू के अंदर हम बात करते हैं, ये वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर हमें फंडामेंटलिज्म को फॉलो करना चाहिए, यानी कि रिलीजन को एज अ कंजर्वेटिव एलिमेंट के तौर पर स्टडी करना चाहिए। यानी कि ये फंडामेंटलिज्म क्या है? कंजर्वेटिव अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच, कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल अप्रोच, कंजर्वेटिव या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच को हम कहते हैं फंडामेंटलिज्म, सही है? यानी कि फंडामेंटल फॉर्म ऑफ रिलीजन को फॉलो करें। यानी कि अब एक्चुअल के अंदर ये एक्चुअली फंडामेंटलिज्म इज वन ऑफ द मेटा नैरेटिव, सही है? इज वन ऑफ द मेटा नैरेटिव एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। कि कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन को हमने ट्रेडिशनल वे के अंदर ही स्टडी करना, ठीक है? यानी कि हमने रिलीजन को, अगर आप रिलीजन के अंदर कोई सेक्युलर एलिमेंट लेके आएंगे, यानी कि रिलीजियोसिटी को डिक्लाइन लेके आएंगे या कोई चीज लेके आएंगे, तो उससे रिलीजन का ओरिजिनल एसेंस खत्म हो जाएगा, रिलीजन का ओरिजिनल एसेंस खत्म हो जाएगा। यानी कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि रिलीजन को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ही रखा जाए। ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, सही है? इस अप्रोच के अंदर आप कहते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन का मतलब है कि आप किसी भी तरह के सोशल चेंज, अब यानी कि सेकुलराइजेशन इज ऑल अबाउट द चेंज, इस तरह के किसी भी चेंज को आप अपोज करते हो। आप क्या चाहते हो कि भाई सोसाइटी के अंदर किसी भी इस तरह का किसी भी किस्म का चेंज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपके सामने थोड़ा सा नोट्स में से फंडामेंटलिज्म को स्टडी करते हैं, रीड अप करता हूं। फंडामेंटलिज्म रिप्रेजेंट्स इन अपोजिंग प्रोसेस रिलीजन इज अ प्रैक्टिस इन द पब्लिक स्फीयर इन वेज दैट सीक द रीमोरलाइजेशन ऑफ बोथ सेल्फ एंड सोसाइटी। अब मेरी बात सुनो, फंडामेंटलिज्म मैंने जब पब्लिक स्फीयर पहले मैंने लाजमी डिस्कस किया होगा कि ये लोग कहते हैं रिलीजन मस्ट बी इन पब्लिक स्फीयर। अब क्या होता है, इससे क्या होगा, इनके नजदीक रीमोरलाइजेशन होगी, रीमोरलाइजेशन का मतलब क्या है कि मोरल वैल्यूज का सेट होना ऑफ सेल्फ, यानी कि इंसान की अपने भी, इंसान खुद भी औकात में रहेगा और सोसाइटी भी औकात में रहेगी अगर हम रिलीजन को पब्लिक स्फीयर के अंदर स्टडी करें। पब्लिक स्फीयर का मतलब क्या है? तालिबान वाला सिस्टम, यानी कि आपको रिलीजन को जो है सोसाइटी का पार्ट बना दो कि भाई लेट्स सपोज अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत मारा जाएगा, ठीक है? तो दैट इज ऑल अबाउट रिलीजन शुड बी इन द पब्लिक स्फीयर थ्रू विच वी कैन गेट द रीमोरलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी मोरल गाइडलाइंस फॉलो करेगी, इंसान खुद भी रिलीजियस गाइडलाइन फॉलो करेगा और सोसाइटी की पूरी सोसाइटी भी इस चीज को फॉलो करेगी, ठीक है? फंडामेंटलिज्म रेफर्स to forms of beliefs and organizations that advocate to restrict observance of the fundamental beliefs of a religion. यानी कि ये जो fundamental belief, वही वाली बात जो मैंने बिल्कुल शुरू में traditional forms की बात की थी, ठीक है? Provide certainty in an uncertain world, यानी कि इस दुनिया को जो है uncertain world को जो है एक तरह से certainty, यानी कि यही one way of thinking develop करता है, ठीक है? The common features of all fundamentalist religion, they claim that their version of religion is to be the only true one, yani ke there is only one true version, yani ke wahi wali meta narrative wali baat aa gayi, theek hai? The movement feels threatened by the alternative secular and religious belief of the world and they exercise control over the both individual and society across the आइडियोलॉजिकल इंटरनल एक्सटर्नल वे। अब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि लोगों की आइडियोलॉजी के ऊपर कब्जा रखते हैं ये लोग, क्योंकि उनके नज़दीक क्या है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वही सही है, अगर हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो उसका मतलब तुम सही नहीं हो। यानी कि आपने, अगर आप इंटरनल आइडियोलॉजी एक्सटर्नल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करें, यानी कि आप अपने जो हमारी बात सुनते हो उसको बिलीव भी करो और उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करो, तो ये दे डिमांड फॉर दिस, ओके? Religious fundamentalism is a set of political ideas and practices that use religion. यानी कि आप क्या है, religion is all about the political, यानी fundamentalism क्या है, political ideas. Political ideas का मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि society की जो politics है वो भी इनके हिसाब से चले, economy भी उनके हिसाब से चले, ठीक है? यानी कि अब क्या है कि practices वगैरह वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम चीज़ों को demand करते हैं, सही है? ये वो क्या चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स भी, यानी कि पूरा स्टेट का सिस्टम भी रिलीजन के हिसाब से चले। यानी कि अगर आप तालिबान की एग्जांपल ले लें तो आपके समझ में आ जाएगा कि व्हाट दे डिमांड फॉर, ठीक है? यानी कि रिलीजन को वो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में इनकल्केट करना चाहते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे इनका मेटा नैरेटिव, दैट्स फाइन, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है?
अब आपका इसके बाद असाइनमेंट ये है कि आपने तकरीबन 5 पॉइंट्स बनाने हैं किसके, फंडामेंटलिज्म के, और 5 पॉइंट्स बनाने हैं क्या कहते हैं किस चीज़ के बेटा, 5 पॉइंट्स फॉर फंडामेंटलिज्म एंड 5 पॉइंट्स फॉर व्हाट, न्यू एज मूवमेंट्स। ये आपका होमवर्क टास्क है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी जूम क्लास भी रख लूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।